हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ हिंदी। हिंदी में है आपके चैप्टर नंबर 8, आम का पेड़, जो कि पहले हमने पढ़ा था। आज हम इसके करेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न हम करेंगे मौखिक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान और सही वाक्यों के सामने राइट और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है आपको। पेज नंबर 46। सबसे पहले आपके मौखिक प्रश्न अभ्यास प्रश्न में, इनमें है 3 प्रश्न दे रखे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मोहन को किसके साथ रहना अच्छा लगता था? तो आपको उत्तर लिखना है, मोहन को अपने दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता था। किसके साथ रहना अच्छा लगता था? अपने दादाजी के साथ। उसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर 2, किसकी पत्तियों से बदनवार बनाई जाती है? आपको उत्तर लिखना है, आम की पत्तियों से बदनवार बनाई जाती है। उसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर 3, कौन इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं? इसमें पूछा है कि कौन है जो इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद में है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं और प्रश्न दे रखा है। प्रश्न सही विकल्प पर आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है। इसमें सबसे पहला है, मोहन घर में का पेड़ लगाना चाहता था। यहाँ पर जो विकल्प है, यहाँ पर सही उत्तर होगा क। पहला विकल्प है क, अमरूद। ख, सेब। ग, आम। क्या होगा सही उत्तर? मोहन घर में आम का पेड़ लगाना चाहता था। क्या होगा सही उत्तर? आम का पेड़। ठीक है, आम। फिर है नंबर 2। यहाँ पर एक स्थान दे रखा है कि आवाज मीठी होती है। यहाँ पर 3 विकल्प दे रखे हैं, जो इसका सही उत्तर होगा कोयल, मैना, मोरनी। यहाँ पर क्या होगा सही विकल्प? क, कोयल। कोयल की आवाज मीठी होती है। उसके बाद में है नंबर 3, एक दिन पेड़ काटने वाले, यहाँ पर एक स्थान है, लेकर आ गए। 3 विकल्प दे रखा है, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, एक दिन पेड़ काटने वाले क्या लेकर आए थे? कुल्हाड़ी। फिर है नंबर 4, मोहन की माँ ने अमरूद और, यहाँ पर रिक्त स्थान है, के पेड़ भी आंगन में लगवाने को कहा। क्या कहा? कौन सा पेड़? यहाँ पर 3 विकल्प दे रखे हैं, लीची, केला, नाशपाती। क्या होगा? लीची। क्या होगा सही उत्तर? क, लीची। मोहन की माँ ने अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाने को कहा। फिर है नंबर 5, इसमें भी विकल्प दे रखे हैं, पेड़ों से, यहाँ पर एक स्थान है, का रिश्ता जोड़ना ही ठीक है। पेड़ों से का रिश्ता जोड़ना ही ठीक है। 3 विकल्प है, क, नफरत, ख, घृणा, ग, प्यार। तो इसका सही उत्तर जो होगा, पेड़ों से प्यार का रिश्ता जोड़ना ही ठीक है। क्या होगा? प्यार, ग, प्यार। उसके बाद में है आपके खाली स्थान भरिए। लिखित प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला है, दादाजी मोहन को रिक्त स्थान सुनाते थे। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? दादाजी मोहन को कहानियाँ सुनाते थे। फिर नंबर 2, मोहन के दादाजी एक, यहाँ पर रिक्त स्थान है, का पौधा ले आए। क्या आएगा? आम। क्या आएगा? आम। मोहन के दादाजी एक आम का पौधा ले आए। फिर है नंबर 3, पंछी तो पेड़ों पर ही रिक्त स्थान करते हैं। क्या आएगा? पंछी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं।
फिर है नंबर फोर, मोहन के पिताजी को एक, यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थान थी, क्या आएगा, मोहन के पिताजी को एक परेशानी थी। फिर है नंबर पांच, पेड़ पानी, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान रोकने में भी हमारी मदद करते हैं, तो क्या आएगा, पेड़ पानी बरसाने, क्या आएगा, पानी बरसाने और बाढ़ रोकने में भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ आपके खाली स्थान भरिए वाला प्रश्न हो गया। अब है सही वाक्यों के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं, इसमें जो वाक्य सही है उसके सामने राइट का निशान लगाना और जो वाक्य गलत है उसके सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। इसमें सबसे पहला है, मोहन के दादाजी उसके साथ गांव घूमने जाते थे। यह जो वाक्य है बिल्कुल सही है, मोहन के दादाजी जो थे उनके साथ, उसके साथ जो है गांव घूमने जाते थे। नंबर टू, पेड़ हमें साफ हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यह जो वाक्य है बिल्कुल गलत है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है यानी कि प्राणवायु जो होती है ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहरीली गैस है, तो यह जो वाक्य है गलत है, पेड़ हमें साफ हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद में नंबर तीन, मोहन पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता था, बिल्कुल सही है, मोहन पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता था। उसके बाद में है नंबर फोर, मोहन के पिता ने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। यह भी वाक्य बिल्कुल सही है, मोहन के पिता ने जो है आम का पेड़ है उसको कटवाने का निश्चय किया। फिर है नंबर पाँच, पेड़ हमारे जीवन के रक्षक नहीं है, तो यह वाक्य गलत है, पेड़ हमारे जीवन के रक्षक है। ठीक है, पहले में आएगा राइट, दूसरे में रॉन्ग, फिर है थर्ड और फोर्थ में राइट, लास्ट में रॉन्ग। ठीक है, यह आपके पूरा हो गए। यह जो है कॉपी में करना है आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रश्न और खाली स्थान भरिए। ठीक है, लिखित प्रश्न और भाषा और व्याकरण वाले प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।